वेलकम एवरी वन वेलकम टू दिस करंट अफेयर्स क्लास तो करंट अफेयर्स में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं डीप फेक्स पढ़ने वाले इसका कंटेक्सट क्या है थोड़ा सा वो जान लेते हैं वाई डीप फेक्स डीप फेक्स पढ़ने की हमें जरूरत क्या पड़ी तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हाल फिलहाल में एक साउथ uh, की पॉपुलर एक्ट्रेस थी और उनका उनका जो कैरेक्टर असासीनेशन करने का यू नो इशू हुआ था एंड शी हर फेस वॉश सुपर इम्पोज ऑन ऑन अ अ वीडियो पर एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट हो रहा था और यू uh, नो you know, उस, उसके वजह से उनका रेपुटेशन जो है वो काफी टार्निश हो गया था तो एक इशू एक बहुत बड़ा एक नेशनल इशू बन गया था जहाँ पर इवन uh, मिनिस्टर्स uh, जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था कि यू नो दिस थिंग कैन बी अ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट ओके और उसके बाद से काफी एक्ट्रेस के मैसेजेस थे जो uh, है आ रहे थे, तो हमें काम कैसे करता है हाउ डज इट वर्क तो यह आपका एंड इसका जो पोटेंशियल सिक्योरिटी चैलेंज है ये आपको जीएस थ्री में पूछा जा सकता है जीएस थ्री इंटरनल सिक्योरिटी या जीएस थ्री साइंस एंड टेक भी पूछा जा सकता है आपसे ओके okay, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा देख सकते हो कैसे यू नो दिस इज एन ओरिजिनल फोटोग्राफ जहां पर ये जो स्पेसिम uh, है ये जो हमारा मॉडल है फ्राउन ऑन हिस्स फेस लेकिन यूजिंग द डीप फेक मॉड्यूल वो क्या कर रहा है उसको उसने हंसा दिया ओके डीप फेक जो मॉड्यूल है उसको जैसे ही हमने यूज किया इस फोटोग्राफ पे तो उसमें वो हंस हंसता हुआ दिख रहा है इसका ये जो पोटेंशियल यूजेज है वो बहुत हाई uh, है ओके okay? बहुत सारे डोमेन में आप इसको यूज कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ओके okay? अब साइंटिफिक एस्पेक्ट थोड़ा देख लेते हैं तो डीप फेक्स है क्या तो डीप फेक्स आर बेसिकली हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस व्हाट इज दैट इट इज हाइपर रियलिस्टिक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग आप ऑडियो भी यूज कर सकते हो तो यहां पर भी एक बड़ा इशू आता है नॉट ओनली में में भी okay, में भी ओके एक बड़ा है दैट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग करके हम डीप फेक्स जनरेट करते हैं दिस हैज वाइड रेंजिंग रैमिफिकेशन Okay, this has a wide to 21 अब आप क्या काम है अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल ट्वेंटी वन में बता सकते हो कि आर्टिकल ट्वेंटी वन में ऐसा क्या है आर्टिकल 21 वन में ऐसा क्या है जो डीप फेक uh, अभी जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्स दिया मैंने आपको कंटेक्ट दिया ओके वेरी गुड अभी यार अभी एक नंबर आदमी है राइट टू रेप राइट टू रेप जैसे वो जो औरत है जो लेडी है यू नो शी शी इज इज एन एक्ट्रेस पब्लिक फिगर है तो उनका रेप्यूटेशन टार्निश हो गया वो जो सेक्सुअली वीडियो था उसमें उनका फोटो डाल के उन्होंने एक uh, उनका जो राइट टू रेपेशन है उसको हार्म किया तो आर्टिकल ट्वेंटी वन खतरे में है ओके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में है जिसके अंदर हम राइट 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 टू 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 पढ़ाई करते हैं ओके ओके डिग्निटी लाइफ एंड लिबर्टी उसमें एक रेप्यूटेशन भी कॉर्नर स्टोन है विदाउट रेप्यूटेशन यू कैन नॉट ऑपरेट इन दीज सोशल सर्कल्स यू केन नॉट ऑपरेट इन इंडियन एनी सोसाइटी फॉर दैट मैटर ओके तो रेप्यूटेशन बहुत जरूरी है हाउ आई वॉन्ट माई रेप्यूटेशन टू बी इन द सोसाइटी कोई दूसरा आदमी मेरी रेप्यूटेशन डिसाइड ना करे दैट इज मोर एकट डिपिक्शन ऑफ राइट टू रेप्यूटेशन रेप्यूटेशन का मतलब ये नहीं है कि यू नो इट ओनली मीन कि आपके ऊपर कोई असोल्ट कर रहा है या आपके डिग्निटी पे कोई असोल्ट कर रहा है या आपके इमेज पे कोई असोल्ट कर रहा है इसका मतलब ये भी होता है कि एज एन इंडिविजुअल ओके मेरे पास पावर uh, होनी चाहिए हाउ आई वॉन्ट टू क्राफ्ट माई रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी ओके एज अ पायस पर्सन ओके एज अ बेलिजरेंट पर्सन एज अ पर्सन ओके हु इज नोन फॉर इज गुड डीड्स एज अ पर्सन हु इज नोन फॉर इज यू नो क्रिमिनल एक्टिविटीज कैसा होगा तो वो मेरे हाथ में होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल ओके ओके ऑफ दिस कंट्री अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पढ़ लेते व्हाट तो तो okay? तो बेसिकली यहां पर क्या होता है दो न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है और उन दोनों न्यूरल नेटवर्क्स को कंपीट कराता है एक दूसरे के अगेंस्ट तो ये जो दोनों न्यूरल नेटवर्क है उनमें से एक न्यूरल नेटवर्क का नाम क्या होता है जेनरेटर और दूसरे न्यूरल नेटवर्क का नाम होता है डिस्क्रिमिनेटर अब यहां पर डोंट होल्ड योर हॉर्सेस आई नो न्यूरल नेटवर्क बिना समझाए न्यूरल नेटवर्क बिना समझाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो न्यूरल नेटवर्क जैसे हमारी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं राइट right? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं क्या करता है न्यूरॉन्स का देखा है व्हाट इज द न्यूरॉन्स को देखा है आपने कैसे होता है ऐसे होता है ना न्यूरॉन्स ये सिनेप्टिक टर्मिनल इसको बोलते हैं यस तो न्यूरॉन्स में क्या होता है ब्रेन कैसे काम करता है ब्रेन कैसे काम करता है सपोज यहां से कुछ मैसेज आया आपको तो ये बिजली की तरह इससे जाके दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है और उसको पास करता है ओके उसको पास करता है ठीक है तो सपोज आपने कोई कोई चीज देखी आपकी आंखों ने आपकी आंखों ने कुछ चीज देखी तो वो क्या हो गया वो हो गया बॉस आपका इनपुट आपने कुछ देखा है ना ध्यान से सुनना आपने कुछ देखा तो आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस कैसे किया तो वट यू सी वो जल्दी से आपके न्यूरॉन्स जो है उसमें इंफॉर्मेशन जाता है ओके दिस इज समथिंग और वो क्या करता है एक दूसरे को पास करता रहता है

एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा ओके, देन यूजिंग जेनरेशन होगा जेनरेशन होगा आउटपुट okay. होगा दिस इज एके दिस इज अभी या दिस इज श्रीवत्स या दिस इज पी आर ओके उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क जो है न्यूरल नेटवर्क में तीन लेयर होते हैं कौन कौन से लेयर होते हैं न्यूरल नेटवर्क में जैसे न्यूरल नेटवर्क किसके नाम पे हुआ जैसे न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में जो हमारा प्रोसेस करता है ओके okay, जो डेली लाइफ की चीजें उसको प्रोसेस करता है ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस उसी तरीके से न्यूरॉन्स के नाम पे न्यूरल नेटवर्क रखा गया न्यूरॉन्स के नाम पे न्यूरल नेटवर्क रखा गया उसमें तीन लेयर्स होते हैं इनपुट लेयर हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर तो इनपुट लेयर क्या करता है इनपुट लेयर बेसिकली जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रहा है बाहर से जो इनपुट इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको अंदर ले लेता है उसके बाद यहां पर बेसिक कैलकुलेशन होता है उस इंफॉर्मेशन का देन जो आउटपुट लेयर है थर्ड लेयर है वहां पर भी बेसिक कैलकुलेशन होके वो निकाल देता है आउटपुट लेकिन हिडन लेयर जो होता है हिडन लेयर होता है यहां पर मेन कैलकुलेशंस होती है यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स तो बेसिकली ये क्यों यूज होता है न्यूरल नेटवर्क इट इज टू टीच जैसे आपका ब्रेन आपको teach करता है न, what is there in the surroundings. पेड़ है ना तो पेड़ पेड़ तो कैसा दिखता है आपको आपकी टीचिंग हो रही है ओके समबडी इज योर फ्रेंड उसका नाम क्या है वो कैसा दिखता है ओके ओके दिस इज दिस इज अ कार कौन सी कार है कौन से ब्रांड की कार है तो आपकी टीचिंग हो रही है आपके आंखों से इनपुट जा रहा है योर आईज इज गेटिंग इनपुट देन आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रहा है उसको आप हिडन लेयर समझ लो और उसके बाद आउटपुट क्या हो रहा है आपको समझ आ रहा है ओके ओके दिस 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 इज 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 अ अ अ कार 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 स्कॉडा की है टाटा कार ओके या ये बंदा इसका नाम ये है ओके दिस दिस इज एक्स वाई जेड उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क जो है कंप्यूटर को टीच करने के लिए यूज होता है कम जैसे एआई क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरीके से आपको पहले कंप्यूटर को समझाना होगा ना कि भाई अब जो आपकी इंटेलिजेंस है वो ह्यूमस ही बनाएंगे ना तो सबसे पहले आप फीड करोगे इंफॉर्मेशन आपका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है चैट जीपीटी चैट जीपीटी की ट्रेनिंग छह साल चली आज के डेट में इफ यू विल टाइप समथिंग से ओके चैट जीपीटी राइट अ पोयम आपको आप लिखोगे जाके तो वो पोयम बनाएगा लेकिन पोयम बनाने का ट्रेनिंग कहां से मिला उसको कहीं से तो मिला होगा ओके okay, ऊपर से टपक के तो नहीं आया तो जो ट्रेनिंग मिली उसको वो पांच छह साल जो ओपन ए आई ने चैट जीपीटी की ट्रेनिंग की थी वो कैसे किया था बाई फीडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूरल नेटवर्क जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होता है वैसे कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क होता है टू टीच बिहेव हाउ टू यू नो उनका आउटपुट कैसे लगेगा सपोज आपने कभी कार नहीं देखी यू हैव नेवर सीन अ कार

ओके दिस इज दिस इज हाउ यू विल ड्राफ्ट ओके न्यूक्लियर लॉन्च कोड सीक्वेंस ओके तो अगर आप मान लो एआई को नहीं पता है न्यूक्लियर लॉन्च कोड सीक्वेंस क्या होता है यू विल हैव टू है ए आई उसके बाद वो मे बी पॉसिबल कि वो सीख के और वो जनरेट कर रहा है तो तीन लेयर मैंने बताया ऑन द न्यूरल नेटवर्क पहला इनपुट लेयर है इनपुट लेयर मतलब आप इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो इनपुट In, लेयर में इंफॉर्मेशन जाता है उसके बाद हिडन लेयर में मेन कैलकुलेशंस होती है और उसके बाद आउटपुट लेयर से आपको सामने इंफॉर्मेशन दिख जाता है ओके एनी क्वेश्चन ऑन न्यूरल इज न्यूरल या किसी को कुछ समझ ना आया हो फिर से बताओ नहीं समझ में एक आदमी को भी नहीं आया फिर से बता दो आई आई दोस्टुड मैं फिर समझाऊंगा ओके मे बी इन अ मोर लूसिड मैनर कोई है आप में से जिसको नहीं समझ आया यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी कोई दिक्कत नहीं है ये yes. हिडन पार्ट है जैसे इनपुट है इनपुट से न्यूरल नेटवर्क सपोज न्यूरल नेटवर्क समझ में आ गया सभी को न्यूरॉन जैसे हमारे ब्रेन में होता है न्यूरॉन क्या करता है इन्फॉर्मेशन फायर करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इन्फॉर्मेशन फायर होते हैं देन अ पिक्चर इज उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क क्या है कंप्यूटर का न्यूरॉन्स है न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर का न्यूरॉन्स है कंप्यूटर के ब्रेन में न्यूरॉन्स को न्यूरल नेटवर्क आप समझ लें इनपुट लेयर होता है देन इज समथिंग कॉल्ड द हिडन लेयर तो तीन so, पे नेटवर्क काम करता है, तो okay? so, में आपने information किया जैसे suppose two plus two, okay? then, hidden layer पे वो सीख रहा है hidden layer पे उसकी उसका उसका चल रहा है कि अच्छा टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर होता है और आउटपुट लेयर में निकल के आया टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर तो यहाँ पर आपने फीड किया टू प्लस टू हिडन लेयर पे उसकी ट्रेनिंग हुई कि दो प्लस दो क्या होता है दो को ऐड करो दो से तो चार बनता है और आउटपुट लेयर लेकिन दो प्लस दो चार दिखने को मिला मेन जो कंप्यूटर करता है दैट कैलकुलेट इन दी हिडन लेयर लेयर इनपुट में सिर्फ फीडिंग होता है और होती है और बेसिक बेसिक होती कैलकुलेशन मतलब समथिंग विच कैन बी यूजफुल फॉर हिडन लेयर फॉर दैलकुलेशन इन हिडन लेयर जैसे ऐसे समझ लो खाना यहां बन रहा है हिडन लेयर पे मेन खाना बन रहा है इनपुट लेयर पे सिर्फ आप सब्जी चॉप करके दे रहे हो सब्जियां चॉप करके आप इनपुट लेयर पे दे रहे हो खाना हिडन लेयर पे बन रहा हो और खाना बन के तैयार आउटपुट लेयर पे हो रहा है सो इनपुट हिडन एंड आउटपुट तो ये तीन लेयर जो है आपके बेसिक न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है ठीक है करेक्ट पहले दो आपने दो टॉफी दो टॉफी ऐसे दी तो टोटल कितनी टॉफी है इनपुट लेयर पे आपने फीड किया दो टॉफी दो टॉफी हिडन लेयर पे कैलकुलेशंस हुई मेन कैलकुलेशन और आउटपुट लेयर पे पता चला कि टोटल चार टॉफी है इतना सबको समझ आया अभी बता दो नहीं तो हो सकता है कि बाद में कंफ्यूजन और बढ़ जाए न्यूरल नेटवर्क समझ में आया बट मेरे को यह बताओ न्यूरल नेटवर्क समझ में आ गया जस्ट टेल मी और नो ओके समझ में आ गया तो यस yes बोल दो आगे बढ़ जाएंगे आगे uh, जिसको नहीं आया टवर्क वेरी गुड आप थोड़ा सा तो यहाँ पर दो न्यूरलिकलीरियल मतलब एडवर्सरी कौन होता है आपका कंपेटिटर होता है तो जेनेटिव एडवर्सी नेटवर्क तो यहाँ पर बेसिकली दो न्यूरल नेटवर्क है जो एक दूसरे के कम्पेटिटर है दो न्यूरल नेटवर्क्स एक दूसरे के कम्पेटिटर है एक न्यूरल नेटवर्क का नाम क्या है जेनेटर और दूसरे न्यूरल नेटवर्क का नाम क्या है डिस्क्रिमिनेटर सो बोथ ऑफ दीज न्यूरल नेटवर्क दे आर एडवर्सरीज़ एडवर्सरीज़ ऑफ़ अदर इसीलिए नाम है इसका एडवर्सरियल नेटवर्क ओके ये चीज आपको समझ आ गई और ये दोनों जो इन इनपे आप इंफॉर्मेशन आप फीड करोगे और ये दोनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं और एक दूसरे से कंपीट करके इंफॉर्मेशन जो है बेस्ट पॉसिबल वे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं सभी को पता है सपोज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उसमें क्या होता है जो ज्यादा पढ़ेगा उसका बेटर परफॉर्मेंस आएगा जो ज्यादा पढ़ेगा उसका बेटर परफॉर्मेंस आएगा उसी तरीके से जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों को हम एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई करो और जिसका बेटर परफॉर्मेंस आएगा उसका हम रिजल्ट जो है उसको टेकअप करते हैं इतना समझ में आया व्हाट इज जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क अच्छा डिवाइड एंड रूल यस यू कैन से कि अंग्रेज की तरह जैसे इंडियंस uh, को डिवाइड एंड रूल करते हैं बट डिवाइड एंड रूल में हमारा बेस्ट नहीं आया था हमारा वर्स्ट निकल के आता है इसमें जो है ज्ञान में आपका बेस्ट पॉसिबल जो रिजल्ट है वो निकल के आता है एनी एनी वन एनी वन अंडरस्टूड वॉट इज गन मेरे को अभी बता दो

ज्ञान में क्या होता है ज्ञान का जो आप थोड़ा सा ये देखो वर्डिंग देखो जेनरेटिव एडवर्सेरियरियल नेटवर्क आप यू आर जेनरेटिंग समथिंग व्हाट यू आर जनरेटिंग यू आर जेनरेटिंग वीडियोस एंड यू आर जेनरेटिंग फोटोज ओके या यू आर जेनरेटिंग ऑडियोज एडवर्रियल नेटवर्क तो दो पार्ट से डिवाइड कर दो जेनरेटिव और एडवर्सेरियल यू वॉन्ट टू जनरेट समथिंग you want to generate something what what is that you it is photos videos okay maybe audio recording dusri cheez kya hai adversarial network matlab मतलब do neural network hai yahan par two two neural networks जैसे हमारा neurons होता है वैसे computer का neural networks होता है which it uses to learn new things और दो दोनों neural networks है वो adversarial है एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के against pit कर रहा है तो जैसे ही आपने input layer पे इन्फॉर्मेशन पिट किया इंफॉर्मेशन फीड किया द मोमेंट तो ये जो दोनों न्यूरल नेटवर्क है जिनमें से एक का नाम है जेनरेटर और दूसरे का नाम है डिस्क्रिमिनेटर तो ये जो दोनों न्यूरल नेटवर्क्स है ये एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने और कंपीट कंपटीशन से क्या होता है कंपटीशन मतलब इनपुट इंफॉर्मेशन आई गिव द इंफॉर्मेशन जनरेटर इज द हिडन लेयर एंड द डिस्क्रिमिनेटर इज आल्सो डूइंग समथिंग दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सेम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं कंपीट कर रहे हैं और एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं और जो आपका आउटपुट आएगा दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट

लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती है एग्जाम्पल के तौर पर आप जाओ डेली पे डेली जानते हो वॉट इज डेली डेली थ्री एवरीबडी नो एवरीबडी नो मिड जर्नी तो कभी कभार क्या होता है आप कुछ प्रॉम्प्ट देते हो कभी कभार आप कुछ प्रॉम्प्ट देते हो तो वो तो दस दस उंगली एक हाथ पे दस उंगली आ जाती है आपने प्रॉम्प्ट दिया ओके कि शो मी यू नो पेपे फ्रॉग तो वो क्या आया उसमें जो आउटपुट क्या आया यू नो इज अ नॉर्मल फ्रॉग तो लेकिन फिर आपने बोला नो नो मेक इट मोर कार्टून लाइक तो वो हो क्या रहा है व्हेन यू आर गिविंग द इनपुट आप इनपुट लेयर पे फीड कर रहे हो इंफॉर्मेशन चैट चैट बॉक्स बॉक्स जो जो है जो है वो बेसिकली इनपुट लेयर समझ लो आपने जैसे ही उस पर इंफॉर्मेशन डाला एक जनरेटर विच जनरेटिंग द इमेजेस वेर आज देर इज अ डिस्क्रिमिनेटर विच इज यू नो बेसिकली एक्टिंग लाइक अ क्रिटिक वो जनरेटर के साथ कंपीट कर रहा है तो आपने कुछ इंफॉर्मेशन डाला ओके okay, और उससे क्या हुआ जनरेटर ने कुछ इमेज मान लो सिर्फ जनरेटर रहेगा इफ देर इज ओनली अ जनरेटर और आपने इंफॉर्मेशन डाला तो उसने क्या किया यू you नो know, जो नाक है वो हाथ पे है और जो हाथ है वो मुंह पे है इस टाइप का बेढंगा इंसान का इमेज जनरेट कर दिया लेकिन जब डिस्क्रिमिनेटर साथ में कंपीट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है वो एज अ क्रिटिक काम कर रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है तू प्रोड्यूसिंग अूमन इनपुट लेयर पे तो आया था कि प्रोड्यूस अ गुड लुकिंग ह्यूमन एंड यू आर यू नो मेकिंग अमन विदर तो जनरेटर अपने आपको कोर्स करेक्ट कर रहा है जेनरेटर जो है इट इज बेसिकली कोर्स करेक्टिंग इट सेल्फ बिकॉज ऑफ दी क्रिटिसिजम डिस्क्रिमिनेटर इज सेंडिंग इट्स वे और डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है वो इन, इन, जो इनपुट आपने दिया इंफॉर्मेशन आपने दिया उसको वो खुद प्रोसेस कर रहा है और ये देख रहा है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है

Yes, आप ऐसे कह सकते हो डिस्क्रिमिनेटर इन्फॉर्मेशन को शेप दे रहा है डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेटर इन इन बेसिकली जो देखो जनरेटर में इंफॉर्मेशन डाला ठीक है आई विल रिपीट दैट कहां तक आपको समझ में आ दो न्यूरल नेटवर्क है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं यहां तक समझ में आ गया यहां तक समझ में आ गया ओके अब यहां देखो देर इज अ अनेटर जो कि काम क्या है उसका इमेज जनरेट करना एंड देन देर इज अनदर न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटर यस देर आर टू न्यूरल नेटवर्क ओके तो जेनरेटर जो है आपने इंफॉर्मेशन इनपुट फीड किया मेक मी अग या मेक मी ताजमहल ओके ताजमहल इन मुंबई ऑन द मुंबई कोस्ट लाइन आपने इस टाइप का कुछ इनपुट डाला तो ये जो इनपुट है ये जेनरेटर के पास गया एंड ये डिस्क्रिमिनेटर के पास गया ठीक है इनपुट गया आपने इनपुट लेयर समझ लिया ये जेनरेटर जो है और ये डिस्क्रिमिनेटर ये दोनों न्यूरल नेटवर्क काम कर रहे हैं जेनरेटर इमेज प्रोसेस कर रहे इमेज और उसको, image, उसका काम है कि मैं इमेज निकालू डिस्क्रिमिनेटर विच हैविंग द सेम इनपुट उसका काम क्या है कि जो इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है सेम डेटा सेट पे ये भी प्रोसेस कर रहा है लेकिन इसका काम क्या है ये देख रहा है वेदर द इमेज दैट इज बींग प्रोसेस्ड बाई द जनरेटर इट इज परफेक्ट और नॉट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द इनपुट और नॉट एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल समझ लो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्वालिटी कंट्रोल कर कर रहा है तो जैसे मान लो कि यू आर डूइंग वन टू थ्री फोर तो डिस्क्रिमिनेटर बोल रहा है कि बॉस फर्स्ट वाले पे आपने गलत यू you, नो you know, आपने चार आंखें बना दी ह्यूमंस में दो ही आंखें होती हैं ओके okay, तो वो जेनरेटर अपने आप को कोर्स करेक्ट कर रहा है दे आर कंपीटिंग ऑन द सेम डेटा सेट और ये जो डिस्क्रिमिनेटर है वो अपने में रन करके इनपुट को जो जो भी आपने इनपुट दिया वो देख रहा है वेदर इट इज परफेक्ट और नॉट ओके ये चीज आपको समझ आई यस दैट इज करेक्ट और हमने ये क्यों बोला एडवर्सरियल है बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग ऑन दी टू न्यूरल नेटवर्क आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम डेटा सेट जो दो न्यूरल नेटवर्क मैंने बताया आपको जेनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर दे आर वर्किंग ऑन सेम ओके दैट्स व्हाई दे आर एडवर्सरीज़ दे आर कंपेटिटर्स ऑफ इच अदर किसी और को डाउट है बता सकते हो इट ओके क्लियर है ठीक है अंशु यू ज्वाइन लेट आपको डाउट है इसमें डू हैव एनी डाउट एनी वन एल्स अच्छा आपको डाउट है मैं फिर से बता देता हूं एक समरी बता देता उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तो जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरोज न्यूरोज न्यूरो मैं बता देता हूं न्यूरो पता है आपको ये अब और नो मेरे को बताते रहना चैट बॉक्स में आपको न्यूरोन्स पता है वेरी गुड न्यूरोन्स होता है हमारे ब्रेन में क्या करता है इन्फॉर्मेशन आती है जब आप अपने आंखों से देखते हो आंखों से देखते हो तो दैट इज इनपुट जब आपने आंखों से देखा तो दैट इज इनपुट आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाता है न्यूरॉन क्या होता है न्यूरॉन एक दूसरे को बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं एंड देन एन इमेज इज और ये बहुत ही जल्दी एकदम में होता है यू ओपन योर तो आप तुरंत देख सकते हो कि अच्छा स्काई इज ब्लू ओके द ग्रास इज ग्रीन ये बहुत ही यू नो हाइपर सेकेंड में होता है तो ये जो होता है बेसिकली उसी लेवल पे उसी लेवल पे कंप्यूटर्स में देर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स और न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स जैसा होता है, होता है है जैसे ह्यूमन ब्रेन में उसी तरीके से कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क्स होता है और न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके हम कंप्यूटर्स को ट्रेन करते हैं ओके okay? हम ट्रेन करते हैं जैसे आपका चैट जीपीटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसकी ट्रेनिंग चली थी छे साल सिक्स इट वाज ट्रेन ऑन डेटा सेट तो तीन लेयर होता है न्यूरल नेटवर्क पे यहां तक समझ में आ गया आपको व्हाट न्यूरॉन्स uh, जो है इट इज जस्ट लाइक न्यूरल नेटवर्क जो है इट इज जस्ट लाइक न्यूरॉन्स हैव यू अंडरस्टूड यहां तक ओके okay. ओके okay. अब न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें तीन लेयर होता है न्यूरल नेटवर्क में तीन लेयर होता है एक इनपुट लेयर होता है और एक हिडन लेयर होता है और एक आउटपुट लेयर होता है इनपुट लेयर में आपने कुछ इंफॉर्मेशन डाला टू प्लस टू वो जो इंफॉर्मेशन है इनपुट लेयर से ट्रांसफर होता है पे, और यहां पर आउटपुट लेयर पे आपको वो इंफॉर्मेशन का आंसर दिखता है जो आपने इनपुट लेयर पे डाला टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर तो इनपुट लेयर पे हमने इंफॉर्मेशन डाला हिडन लेयर पे कैलकुलेशंस हुई और उसके बाद आउटपुट लेयर पे आपको उस कैलकुलेशन का रिजल्ट दिखा यहां तक समझ में आ गया न्यूरल नेटवर्क्स का तीन पार्ट होता है अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक का जिसका नाम है डीप फेक्स और डीप फेक्स जो है यहाँ पर देखो जैसे इस इंडिविजुअल ये जो इंडिविजुअल है ओके okay? इंडिविजुअल जो है ही नॉट लाफिंग हमने डीप uh, फेक में क्या बोला डीप फेक में इनपुट डाला मेक द इंडिविजुअल लाफ तो जो न्यूरल नेटवर्क है ओके न्यूरल नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं गैन जनरेटिव एडवर्सियल ओके नेटवर्क जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क गैन क्या होता है बेसिकली यहां पर हेल्प करता है ओके ये हेल्प करता है हमें जनरेट करने के लिए व्हाट वी वांट एंड इट इज मेड अप ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क्स इट इज मेड अप ऑफ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क्स एक का नाम क्या है एक का नाम है जेनरेटर और एक का नाम क्या है डिस्क्रिमिनेटर यस जेनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर तो जेनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर यहां पर ध्यान दो सीरियल लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है सीरियल मतलब एडवर्सरी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बेसिकली देर कंपेटिटर्स एक दूसरे एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं तो जो जेनरेटर है आपका और डिस्क्रिमिनेटर है वो सेम डेटा सेट के लिए जो आपने इनपुट दिया सपोज मैंने ऊपर क्या बोला था इनपुट में मेक द इंडिविजुअल लाफ इस इंडिविजुअल को हंसाओ तो दिस इज माय इनपुट दैट आई हैव गिवन टू गैन और ज्ञान किससे बना है दो न्यूरल नेटवर्क से बना है वन इज योर जेनरेटर और वन इज योर डिस्क्रिमिनेटर जो इनपुट है मेक द इंडिविजुअल लाफ बोथ द जेनरेटर एंड द डिस्क्रिमिनेटर बोथ विल कंपीट ऑन द सेम डेटा सेट और डेटा सेट क्या है इनपुट क्या है मेक द इंडिविजुअल लाफ कराने के लिए ओके, जैसे यहां पर आपने देखा ये बंदा हंस रहा है लेकिन यह प्रॉपरली लाफ कर रहा है ये सही में लाफ कर रहा है और दुखी नहीं हो रहा है या यू you नो know, इसके जो दांत है वो इसके यहां पर नहीं चले गए और इसका जो आंख है वो इसके यहां पर नहीं चला गया ये कौन इंश्योर करेगा दिस विल बी इंश्योर्ड बाय वन मोर न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटर जो कि हेल्प करेगा generator को कोर्स करेक्शन करने में मान लो कि आपने डाला इनपुट इनपुट क्या है दैट मेक द इंडिविजुअल लाफ ओके तो जनरेटर विल इंश्योर कि वो ऐसा कुछ कर रहा है जिससे इंडिविजुअल हंसने लगे लेकिन एक्चुअली में वो हंस रहा है इट इज लाफिंग इट इज नॉट फ्राउनिंग या उसका जो आंख है या बाकी की चीजें हैं ओके विच इज ये जो सारा जो इसका मुंह है वो इंटैक्ट है सिर्फ इसके यहाँ पर हंसी आ रही है पता चला आंख भी फट गया आँख भी फट गया हंसाने के चक्कर में मुंह भी उसने खोल दिया और आंखें भी खोल दी ये हमें नहीं चाहिए इनपुट है इट इज वेरी प्रिसाइस इनपुट जो है आपका वो बहुत प्रिसाइस है कि मुझे इंडिविजुअल को सिर्फ हंसाना है और हसाना क्या होता है सिर्फ मुंह खोलना है उसका आंखें नहीं खोलनी है नाक नहीं खोलना ओके okay. तो ये कौन इंश्योर करेगा डिस्क्रिमिनेटर जो ये बताते रहेगा as an adversary. As an adversary बताते रहेगा रहेगा को कि तू गलत कर रहा है आंखें नहीं खोलनी है सिर्फ खोलना है सिर्फ खोलना विच इज रनिंग द सेम डेटा सेट जस्ट टू इंश्योर कि एक्चुअली में ये बंदा हंस रहा है मुंह से आंखों से नहीं हंस रहा है पता चला यू नो आंखें खोल के दे दी इसने यहां समझ में आया आपको वेर यू गाइज एबल टू गेट नाउ वट इज फेक्स आ गया ठीक है नहीं आया फिर बताओ कोई दिक्कत नहीं है ओके ठीक है मैंने बोला मुझे हंसाना है इसको मुंह से हंसाना है ठीक है तो मैं इंश्योर कैसे करूंगा कि उसकी आंखें ना बंद हो जाए ओके okay. या इसकी आंखें ना फटी मिल जाए मुझे या यू you नो know, इसके बाइसेप्स ना बन जाए मुझे कुछ और नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इस बंदे सेम बंदा चाहिए द सेम इंडिविजुअल आई वॉन्ट बस इस, इसको हंसते हुए देखना चाहिए ओनली वन यू नो इशू इज देयर कि ये फ्राउन कर रहा है लेकिन मान लो मैंने इनपुट डाला तो हंसाने के साथ साथ उसने आंखें भी बड़ी बड़ी करके दे दी बाइसेप्स भी बहुत बना दिया तो ये इसी के लिए ज्ञान है ज्ञान में क्या है जेनरेटिव एडवर्सियल इसमें दो न्यूरल नेटवर्क है विच रन द सेम सेम एट टाइम क्या है जो आपने इनपुट दिया जो आपने प्रॉम्प्ट दिया और सेम डेटा सेट जो है वो दोनों रन करेंगे जो जनरेटर है वो इंश्योर करेगा मेन टास्क को और जो डिस्क्रिमिनेटर है वो ये इंश्योर करेगा कि जनरेटर जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है Okay, it is the right Or, जो डिस्क्रिमिनेटर है इट इज द क्रिएशन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन होता है वहां पर लार्ज डेटा सेट ऑफ इमेजेस और वीडियोज है अबाउट द टारगेट इंडिविजुअल वो गैदर किया जाता है सपोज मैं बोल रहा हूं अभी और मुझे क्या करना है कि मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज में क्लास लेनी है सपोज आई वॉन्ट की अमिताभ बच्चन की आवाज में क्लास लेनी है तो मैं क्या करूंगा जो जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें मैं क्या करूंगा अमिताभ बच्चन की बहुत सारे क्लिप्स ओके एज मेनी एज पॉसिबल अगर मुझे बहुत एक्यूरेट करना है तो मैं उसी हिसाब से 500 क्लिप्स दूंगा ओके okay? तो जितना मैं क्लिप्स दूंगा उतना वो मशीन लर्न करेगा तो मशीन लर्निंग उसी को बोलते हैं जितना मैं क्लिप्स दूंगा अमिताभ बच्चन की वॉइस क्लिप्स जितना दूंगा उतना वो लर्न करेगा ओके okay? और फिर उसकी ट्रेनिंग चलेगी ओके okay? उसकी ट्रेनिंग चलेगी जहां पर न्यूरल नेटवर्क जो है इट इट विल लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड ओके वो रिकॉग्नाइज करेगा ये अमिताभ बच्चन की आवाज है और इसको मैं कैसे रेप्लीकेट कर सकता हूं एंड देन फाइनली सिंथेसिस ओके वो अमिताभ बच्चन की आवाज निकालने लगेगा फिर मैं अपना वॉइस दूंगा और मैं बोलूंगा जो भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसमें अमिताभ बच्चन को आप कन्वर्ट करो तो जितना मैंने डेटा सेट दिया उस हिसाब से वो कन्वर्ट करेगा और ये जो क्लास है वो अमिताभ बच्चन की आवाज में आपको सुनने को मिलेगी ओके okay. अब यहाँ पर क्वालिटी जो है पहले क्या था रियलिज्म बहुत लो था पहले पता चल जाता था यू नो यू यू यूज टू हैव दो चीप एप्स विच वी आर मेड बाई यू नो कॉलेज स्टूडेंट्स वो याद है फेस सुपर इम्पोजिशन वाला ऐप आता था उसमें हम क्या करते थे यू नो वी टू टू डू इज दैट किसी के फेस uh, you know, लगा दिया you, ऐसे, you know, के लिए करते थे आज के डेट में पता नहीं लिटरली फील लाइक दर इज द सेम पर्सन एंड दैट हैज इंक्रीज ओके दैट हैज इनक्रीज द टार्निशिंग द रेपेशन एंड यू नो क्रिमिनल एक्टिविटीज क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी ये पॉसिबल है ओके okay? डिटेक्शन जो उसको डीप फेक है एक्चुअली सपोज देर इज अ वीडियो वीडियो है और वो जो डिटेक्शन है ओके okay? जो डिटेक्शन है वो की भाई सही में इफ दैट दैट पर्सन पर्सन जो है 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 वो एक्चुअल का बोल रहा है या डीप फेक उसका डिटेक्शन जो है इट इज नॉट एबल टू कीप पेस ओके इट इज नॉट एबल टू कीप पेस विद द डीप फेक टेक्नोलॉजी तो यहां पर क्या होता है पहले हमारा क्या होता था कि क्या हमने स्पिन बॉट से लिखा है Spinbot जानते हो सभी लोग, तो you know, uh, so जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता था उसी तरीके से कि क्या वो स्पिन बोर्ड लिखा है उसी तरीके से क्या यू नो सर्टेन थिंग इज डीप फेक और नॉट अ सर्टेन सर्टेन वॉइस इज डीप फेक और नॉट ये पता करने के लिए ओके okay? ये पता करने के लिए बेसिकली जो टेक्नोलॉजी uh, है इट इज नॉट एबल टू कीप पेस क्योंकि डीप फेक इतना हाइपर रियलिस्टिक और इतना कंसिस्टेंट होते जा रहा है जो डिटेक्शन वाला साइड ऑफ टेक्नोलॉजीज है ओके एंड एंटी एंटी थेफ्ट सिक्योर इसको एज अ सिक्योरिटी मेजर बोल सकते हो दैट इज नॉट एबल टू कीप पेस विद यू नो द एडवांसमेंट इन डीप फेक्स इसका एथिकल कंसिडरेशन भी काफी रेस किया गया अभी जो लेडी थी यू नो शी वाज ड्रिवन टू द पॉइंट ऑफ सुसाइड जो एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ इतने थ्रेट्स मिले आफ्टर दैट वीडियो दैट यू नो आई आई कंटमप्लेट इट सुड सो इस 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 टाइप की चीजें ओके okay, इस टाइप की चीजें यू नो इट इज वेरी चीजेंटल फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी चैलेंजेस पे अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं तो मिस इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर गेंडा मैं मोदी जी का कोई वीडियो बना दू मैं अगर मोदी जी का वीडियो बना दू कहते हुए डीप फेक यूज़ करते हैं कि मित्रों बजे रात से फिर से सारे के सारे नोट बंद और मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज ओके मैं उसको सारे व्हाट्सएप पे भेज दू तो इट विल क्रिएट अ पैनिक यस और नो दिस कैन क्रिएट अ पैनिक दूसरा चीज क्या हुआ था अमेरिका में यूएस में देर वॉज दिस लेडी लीडर, लेकिन शी लीडर. तो उस, uh, मदर ने क्या किया कि जो तीन थ्री गर्ल्स थी उनका पॉर्नोग्राफिक वीडियो पे डीप फेक यूज करते हुए पॉर्नोग्राफिक वीडियो पे उनका फेस को सुपर इम्पोज करके और उसको रिलीज कर दिया जब ये स्कूल में बात पता चली तो इन तीनों गर्ल्स को सस्पेंड कर दिया गया एंड हर डॉटर वाज सेलेक्टेड एज अ चीयर लीडर लेकिन बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब जाके पता चला ये जो पोर्नोग्राफिक वीडियो है दैट वाज क्रिएटेड यूजिंग डीप फेक और जब इसको ट्रेस किया गया तो वो मदर अरेस्ट हुई एंड नाउ शी इज टेयरिंग एट फिफ्टीन टू ट्वेंटी इयर्स इन प्रिजन सो इस टाइप की चीजें हो सकती हैं ओके मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपागेंडा फैल सकता है गाजा जब ही गाजा में क्या हो रहा है बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जहां पर यू you नो know, uh, uh,

न क्रिएट फेक स्टेटमेंट बाई पॉलिटिकल लीडर विच कैन लीड टू मिस अंडरस्टैंडिंग एंड डिप्लोमैटिक ब्लंडर्स ओके इट कैन लीड टू मिस अंडरस्टैंडिंग एंड डिप्लोमैटिक ब्लंडर्स दूसरा चीज क्या है फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम अमेरिका में यहां पर सी ओ जो है एक सी ओ था उस उसकी आवाज को उन्होंने डीप फेक यूज करके चेंज किया और अपने एम्प्लॉय को फोन करवाया उनका जो कंपनी का एम्प्लॉय था और एम्प्लॉय को बोला कि तुम टू फिफ्टी थाउजेंड डॉलर मेरे अकाउंट में जो मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ उसमें ट्रांसफर कर दो सिंस इट वाज दी वॉइस ऑफ दी सीईओ तो उसको लगा कि सीईओ सही में बोल रहा है तो उसने टू फिफ्टी थाउजेंड डॉलर ट्रांसफर कर दिए एंड लेटर इट केम टू नो कि सीईओ ने कभी कुछ ऐसा कॉल नहीं किया था फेक ऑडियो और वीडियो एविडेंस जो है इट कैन बी यूज टू सपोर्ट फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज हो सकता है मे बी आप ऐसा कर सकते हो किसी स्टॉक मार्केट गुरु का वीडियो आप डीप फेक यूज करके बना सकते हो और उसमें बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू बाई सम कंपनी स्टॉक किसी कंपनी का मैं स्टॉक खरीदने वाला हूं बिकॉज उसका बहुत ज्यादा अपसाइड है सो पीपल विल थिंक द वीडियो इज रियल उसके बाद क्या होगा उससे बहुत लोगों का लॉस हो जाएगा सोशल इंजीनियरिंग uh, भी पॉसिबल है इम्पर्सोनेट you know, uh, करके, करके आप uh, किसी को यू नो फिशिंग कर सकते हो किसी के साथ फिशिंग दिस इज पी एच आई एस आई एनजी उनका यू नो ट्रस्टेड इंडिविजुअल और सपोज आप यू नो पीपल ट्रस्ट सम आप किसी यू नो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ट्रस्ट करते हो कि यार ये ये फालतू चीजें नहीं बताएगा और उसी का किसी बिटकॉइन स्कैमर ने डीप फेक बना के दैट ओके दिस इन्फ्लुएंसर इज आल्सो प्रोटिंग आर कॉइन आप इस कॉइन को खरीदो तो आपको लग रहा है कि अगर ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा बट आपको ये नहीं पता कि वो डीप फेक यूज करके बनाया गया है ओके देन यू नो देर इज इरोजन ऑफ ट्रस्ट एज वेल

दूसरी चीज क्या है कि सपोज मे बी यू नो यू कैन इम्पर्सोनेट एन एक्टर आप किसी एक्टर को इम्पर्सोनेट कर सकते हो उसका सोशल मीडिया अकाउंट बना लो और डीप फेक यूज करके प्राइवेट फोटोज डालने लगो ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टर ओके सुपर इम्पोज करके ऑन समी एल्स बॉडी तो वो लगेगा कि यार एक्चुअली में ये एक्टर का सोशल uh, मीडिया है तो यू नो यू कैन डायरेक्ट मैसेज और डायरेक्ट मैसेज में आपको फिर यू नो इट इज आस्किंग फॉर अनसोलिसिटेड पिक्चर्स इट इज आस्किंग फॉर सम सम यू नो इट इज स्कीम्स आप उसमें फॉल कर सकते हो वॉट इज द दर्पस गुड परपजस ऑफ डीप फेक्स कोई बता सकता है इसका इसका पॉसिबिलिटी क्या है डीप फेक्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं सो so, बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि डीप फेक्स से सिर्फ यू नो फ्रॉड या, या फ्रॉजुलेंट क्राइम्स होते हैं डेविड uh, बेकम जो है डेविड बेकम उसने डब्लू के मलेरिया कैंपेन के लिए डब्लू के मलेरिया कैंपेन के लिए एक इंग्लिश में वीडियो बनाया था और उसका जो वीडियो है डीप फेक यूज करके डीप फेक यूज करके 17 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके और अक्रॉस वर्ल्ड उस वीडियो को बांटा गया तो यहाँ पर जो है हाइपर uh, रियलिस्टिक वीडियो बना के आप गुड प्रोपागैंडा भी कर सकते हो ओके okay, जैसे डेविड बेकम का मलेरिया इनिशिएटिव है उसमें गुड प्रोपागैंडा भी हुआ था जहां पर बहुत सारे एक्टर्स को बुलाया गया वॉइस आर्टिस्ट को बुलाया गया उनको बैठाया गया उनका वीडियो बनाया गया स्पीकिंग इन अरबिक स्पीकिंग इन स्वाहिली स्पीकिंग इन यू नो डिफरेंट अफ्रीकन लैंग्वेजेस जहां पर मलेरिया बहुत प्रोमिनेंट है और वहां पर जाके उस जो डेविड बेकम का जो फेस है उसको डीप फेक यूज करके सुपर इम्पोज करके और इन जगह पे बिकॉज डेविड बेकम इज एन इंटरनेशनल आइकन ओके okay, डेविड जो है इंटरनेशनल है दूसरा ये बहुत अच्छी बात इसने रंजन ने बोली है एनोनिमिटी दे सकता है चेचनिया में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी चेचनिया में जहां पर एल जी बी टी क्यू क्योंकि चेचनिया जो है वहां पर एल जी बी टी क्यू जो लोग हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है चेचनिया इज इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रीजन ऑफ रशिया रशिया के साउथ में एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रीजन है जहां पर एल जी बी टी क्यू आई लोग होते हैं उनको मार दिया जाता है या उनको दे आर एल जी बी टी क्यू का एक आ, वो बनाया गया था एक वीडियो बनाया गया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जहां पर डीप फेक यूज करके उन एल जी बी टी क्यू पीपल को जो अपना स्टोरी बता रहे थे हाउ दे आर सर्वाइविंग इन चेचनिया वहां पर जो वीडियोस है ओके वीडियोस में उनके फेसेस को चेंज कर दिया गया था ओके ताकि उनका जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड रह सके पहले हम क्या करते थे अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू की आवाज चेंज कर देते थे अगर किसी को किसी का प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना है या किसी का इमेज प्रोटेक्ट करना है तो डार्क रूम में उनका वॉइस चेंज कर देते थे फिर भी पॉसिबल पॉसिबिलिटी

और इन रॉन्ग सेंस आप रॉन्ग सेंस में कर सकते हो देन डिसमेशन अटैक्स आइडेंटिटी का आइडेंटिटी चुरा सकते हो फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हो अभी मैंने बताया कैसे कोई ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट एडवाइजर का वीडियो में बना दूं और उसको बोलूं कि ओके पीपी वॉटर बॉल्स याद है वो एक पीपी वॉटर बॉल्स गोलगप्पे की दुकान को वॉटर बॉल्स के बेच रहा था तो पीपी वॉटर बॉल्स के स्टॉक में आप इन्वेस्ट uh, करो स्कैम्स हो सकता है ओके सो ऑल दीज थिंग्स कैन यू नो डीप फेक्स जो है uh, इसमें पॉसिबल uh, है पॉसिबिलिटी ऑफ डीप फेक्स इन ऑल दीज थिंग्स एक और अच्छी बात क्या है आई टेल यू एंसेस्ट्री जो है वॉट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल डू विथ एनसेस्ट एंसेस्ट्री में क्या करते हैं कि uh, जो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर है या उनके डिपार्टेड मदर है या डिपार्टेड फादर पेरेंट्स हैं या डिपार्टेड ग्रैंड फादर्स हैं है वेर वेरी डियर टू देम उनका वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो एंड दिस कैन ब्रिंग रिस्पाइट टू मेनी पीपल तो एक अच्छी चीज ये भी है यू कैन राइट दैट प्लीज अगर यूपीएससी में पूछे आपसे कि व्हाट द चैलेंजेस ऑफ़ डीप तो थोड़ा सा जो स्पेस है uh, तीन चार पॉइंट का आप ऐसे करके ओके यूजेस ऑफ डीप फेक ऐसे करके ऐसे करके तीन चार पॉइंट जरूर लिख देना इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल सिचुएशन इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर ओके ओके टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सॉल्यूशन कैसे उसको टैकल करना है तो ऑब्वियसली हमारा जो टेक्नोलॉजी है टू डिटेक्ट डीप फेक्स उसको हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा मैंने अभी आपको लेक्चर के बीच में बताया था कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ डिटेक्शन इट इज लैगिंग बिहाइंड इट इज लैगिंग बिहाइंड ठीक है, so okay? की डिटेक्शन वाला जो uh, चीज है उसको हम स्ट्रेंथन करें ताकि जो ड्रॉबैक्स uh, है of this deepfake, uh, architecture, वो हम हम कर कर सकते ब्लॉक चेन क्यों यूज कर सकते हैं ताकि कोई भी कंटेंट है उसको ऑथेंटिकेट कर सके आपको पता है जो ब्लॉक चेन होता है वो एक डिसेंट्रलाइज मॉडल पे चलता है ब्लॉक चेन मेनी पीपल कैन कम टूगेदर एंड यूज ब्लॉक चेन टू वेरीफाई वेदर अ पर्टिकुलर थिंग ओके वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज यूज मेड बाई डीप फेक और ओके देन देयर कुड बी लीगल एंड रेगुलेटरी मेजर जहां पर प्यूनेटिव मेजर्स आप ले सकते हो कि अगर डीप फेक यूज किया करके आपने कुछ यू you नो know, अगर सपोज डीप फेक अगर बना रहे हो तो देअर शुड बी लीगल मेजर की बताओ नीचे वीडियो में बताना होगा यूज बाई मेकिंग डीप फेक अगर आप ये नहीं बता रहे हो तो 10 साल की सजा पांच साल की सजा प्यूनिटिव मेजर्स होना चाहिए ताकि लोग में खौफ रहे डर रहे डर कि अगर मैं किसी को यू नो इफ आई आई एम गोइंग टू चीट समवन यूजिंग दिस थिंग दिस डीप फेक्स ऑल राइट तो uh, प्लीज आप मुझे जेल हो सकती है पांच से दस साल के लिए जब प्यूनिटिव मेजर स्ट्रांग होगा प्यूनिटिव साइड स्ट्रांग होगा तो पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर कमिटिंग एनी क्राइम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उनको आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो ताकि वो अपने साइड से भी दे स्टार्ट बैनिंग अकाउंट्स एंड दे स्टार्ट होल्डिंग अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल विच आर स्प्रेडिंग डीप फेक इन मिस इन्फॉर्मेशन आप लिटरेसी कैंपेन और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट कर सकते हो ओके एंड यू कैन कोलैबोरेट आल्सो आप जो टेक जाइ है जैसे गूगल है माइक्रोसॉफ्ट uh, है ओपन एआई है वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता है व्हाट डेटा सेट दे गवर्नमेंट जो है वो कोलेबोरेट कर सकती है टू राइट डाउन द रेगुलेटरी मेजर्स ओके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप फोकस कर सकते हो कि हम कैसे डीप फेक्स जो है उसको एक एथिकल वे में ओके एथिकल वे में कैसे यूज कर सकते हैं तो सपोज देर आर सर्टन डीप फेक्स सॉफ्टवेयर इट कैन कम विथ सर्टन पॉलिसीज कि आप सर्टन चीजें नहीं कर सकते हो सपोज आई टाइप गिव मी ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय स्पीकिंग इन फ्रेंच ओके स्पीकिंग इन फ्रेंच तो वो जो सॉफ्टवेयर uh, uh, है ही एक रेगुलटरी मेजर आप इंट्रोड्यूस कर दो एप्स में ही आप एक रेगुलेटरी मेजर इंट्रोड्यूस कर दो ताकि किसी भी तरीके का कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट किसी भी तरीके का इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट ना हो सके ओके okay? इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी है तो ऑल दी कंट्रीज दे कैन कम टुगेदर और मे बी कोई प्रोटोकॉल कन्वेंशन जो है दे कैन कम एंड कम टुगेदर एंड कोलाबोरेट अंडर अ प्रोटोकॉल और अ कन्वेंशन जिसके थ्रू डीप फेक्स है उसके लिए उसको टैकल करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन हम चला सकते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सपोज अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करोगे तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में डिटेक्शन कुछ आर एंड डी हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ डिटेक्शन के लिए तो वो इंडिया को टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है अमेरिका में कुछ हुआ तो इंडिया को शेयर कर सकता है इंडिया में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो हम वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन ओके अब थोड़ा सा प्रीलिम्स uh, का प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीप फेक टेक्नोलॉजी इज और आर करेक्ट सब यस और नो बताना सही है कि नहीं डीप फेक टेक्नोलॉजी प्राइमरली इंप्लॉइज जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क टू सिंथेसाइज हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस एंड इज इट करेक्ट और रॉन्ग यूज करता है यस इट इज करेक्ट तो मैं सी हटा दू देखो ऐसे ही करना एग्जाम में भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है आपको मैं सी हटा दिया द ईज ऑफ क्रिएटिंग डीप फेक विथ मिनिमल कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैज नॉट इनक्रीज यहाँ पर क्या है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना नॉट इंक्रीज क्या ईज ऑफ जनरेटिंग डीप और और स्टे द सेम डीप डीपिक्स इंक्रीज हो गया तो ये सही है कि गलत है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट तो टू इज रॉन्ग तो मैं बी को हटा देता हूं तो मेरे पास ऑप्शन बचा ए या डी अब देखो ब्लॉकचेन टेक शियल टूल टू वेटी बताया करेक्ट स्टेटमेंट ब्लॉक चेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मल्टीपल लोग वेरीफाई कर सकते हैं वेदर अंटेंट इज ऑथेंटिक और नॉट आंसर विल बी ए या डी इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी डी द आंसर इज डी ओके सो आंसर इज डी वन एंड थ्री ओके अब यहां देखो मेन्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन इन राइट इन इन लाइट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग डीप फेक टेक इवेलुएट दोटेंशियल थ्रेट इट पोजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी तो हमें क्या करना है इवेलुएट करना है पोटेंशियल थ्रेट और इंटेग्रिटी ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक कॉम्प्रसिव स्ट्रैटेजी तो थोड़ा सा यहां पर हम लोग यहीं पर कर लेते हैं वी डोट नीड टू राइट द इंटायर थिंग इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे मॉडल फॉलो करना इंट्रोडक्शन बॉडी में क्या लिखोगे व्हाट इज क्रिएट ऑडियो कंटेंट ओके इंट्रोडक्शन में व्हाट इज देन यहां पर आप लिखो पोटेंशियल थ्रेट्स तो पोटेंशियल थ्रेट्स में क्या है uh, आप ये लिख सकते हो फाइनेंशियल फ्रॉड ओके प्रोपोगडा मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन ओके मिस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होक्स ओके इसको थोड़ा सा आप एक्सपैंड कर देना बिकॉज पंद्रह मार्क्स का है तो हर पॉइंट को आप एक्सपेंड करते हुए चलोगे इसको आप टैकल कैसे करोगे ब्लॉकचेन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना और क्या कर सकते हो बिल्कुल आ, आप रेगुलेटरी मेजर्स प्यूनेटिव पनिशमेंट फॉर इंडल्जिंग इन डीप फेक क्राइम्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हो आप कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड टेक इंडस्ट्री कैन आल्सो हैपन ओके ये भी कर सकते हो टेकिंग हेल्प ऑफ टेक इंडस्ट्री इन राइटिंग द रेगुलेटरी मेजर्स ये भी कर सकते हो आंसर लिख लोगे पंद्रह में से ग्यारह से साढ़े ग्यारह बारह आप ले सकते हो इसमें इजीली बिकॉज दिस इज एन इजी क्वेश्चन जीएस थ्री में आ सकता है ये इंटरनल सिक्योरिटी में यूके okay? yes, के साथ आपने एआई का किया था एग्जांपल में इंटरनेशनल कॉपरेशन एज वी डिड विद यूनाइटेड किंगडम इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन आप ये कर सकते हो एनी क्वेश्चन मतलब डीप फेक्स का जो टॉपिक uh, है वो ओवर हो चुका है आप कर सकते हो अच्छे से